हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट ठीक है तो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट देखते हैं कि असेसमेंट क्यों ज़रूरी है देखिए असेसमेंट जो है ना उसका एक बहुत ही मेजर रोल है एजुकेशन में ठीक है और कई सारी और फील्ड्स में लेकिन एजुकेशन की फील्ड में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और क्या क्या इसके रोल है वो अब हम लोग देखेंगे यानी कि वो क्यों इम्पॉर्टेंस है सबसे पहली बात तो सपोज़ आप कोई भी क्लास में पढ़ाई करते हैं आप कुछ भी करते हैं अगर असेसमेंट ना हो तो कैसे पता चलेगा कि आपने क्या चीज़ सीखी या आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट क्योंकि असेसमेंट क्या करते हैं ना वो बहुत ही वैल्यूएबल फीडबैक देते हैं लर्नर्स को एजुकेटर्स को और इंस्टीट्यूशंस को ठीक है जो भी जिस जो भी बच्चे उनके इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं जो लर्नर्स हैं उनके बारे में एडुकेटर्स के बारे में उनको प्रॉपर फीडबैक मिलता है एंड ये उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है एंड इट एनेबल्स टारगेट इंटरवेंशन एंड इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस तो सपोज़ क्लास में किसी बच्चे की परफॉर्मेंस uh, अच्छी नहीं चल रही है ठीक है बच्चा पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसका असेसमेंट हुआ असेसमेंट के बाद ही हमें पता चला कि उसकी क्या वीकनेस है तो अब उससे आप एक तो लर्निंग पे और दूसरा आप टीचिंग दोनों पे ध्यान दे पाएंगे तो ये टीचिंग और लर्निंग दोनों प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट में यू नो हेल्प करता है इम्प्रूवमेंट लाता है क्या असेसमेंट तो सबसे पहला रोल है कि ये फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करता है दूसरा है मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम जब भी हम किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं कोई भी क्लास में पढ़ते हैं तो एक लर्निंग आउटकम होता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं तो ये हमें पता कैसे चलेगा ये हमें पता चलेगा किसकी वजह से हमारे असेसमेंट की वजह से असेसमेंट अलाउ द मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम एंड इवेलुएशन ऑफ स्टूडेंट नॉलेज स्किल्स एंड कंपिटेंसीज असेसमेंट अलाउ करता है लर्निंग आउटकम्स को मेजर करना बच्चे की नॉलेज को इवेलुएट करना एंड उसकी कम्पिटेंसीज को समझना साथ के साथ ये यू नो अवी एविडेंस देता है अचीवमेंट के लिए जो कि ज़रूरी है सर्टिफिकेशन प्रोग्रेशन एंड फर्दर एजुकेशन एग्जाम्पल सपोज मैंने एम करी अब एम करने के बाद मेरा मेरा जो वो डिग्री मुझे मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए वो कौन डिसाइड करेगा वो ये डिसाइड करेगा कि जो मेरा असेसमेंट हुआ और जो मैं लर्निंग आउटकम था क्या वो मैंने अचीव करा तो उसके बेसिस पे हमें डिग्री मिलती है तो वही आपका है मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम फिर है अकाउंटिबिलिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इसका क्या मतलब है असमेंट सर्व एज अ मेकैनिज्म फॉर अकाउंटबिलिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन एजुकेशनल सिस्टम इट इन्श्योर्स दैट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर मीटिंग स्टैंडर्ड्स एंड बेंच मार्क एंड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एजुकेशनल अफेक्टिवनेस इसने ये बोला कि असेसमेंट हेल्प करता है सर्व करता है एज अ मेकेानिज्म फॉर अकाउंटबिलिटी मतलब कि आप अगर कह रहे हो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब कैसे साबित करेंगे कि उनकी जगह जहाँ जो उनके कॉलेजेस हैं वहाँ से जो बच्चा पढ़ के निकला है वो एक्चुअली इस काबिल है कि नहीं है तो वो जो इंस्टीट्यूशन से वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि नहीं हमारा इंस्टीट्यूशन इतना अच्छा है यहाँ से जो बच्चा पढ़ के निकलता है तो वो किस बेसिस पे वो उन्होंने जो असेसमेंट लिए हैं जो उन्होंने एक, एक यू नो बेंच मार्क सेट किया हुआ है कि इतना इतना आपको परफॉर्म करना है ऐसे परफॉर्म करना है इन सब के बेसिस पे पता चलता है कि कोई भी कैसे इम्प्रूव कर रहा है सो असेसमेंट सर्व एज अ मैकेनिज्म फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन एजुकेशनल सिस्टम एंड साथ के साथ इन इट इंश्योर्स दैट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर मीटिंग स्टैंडर्ड एंड बेंच मार्क एंड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एजुकेशनल एफेक्टिवनेस ये क्या इंश्योर करता है असमेंट ये भी इंश्योर करता है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस हैं वो जो स्टैंडर्ड है वो मतलब उस उस तक पहुँच रहे हैं एंड वो कितना उनका एजुकेशन सिस्टम अफेक्टिव है उसका भी एविडेंस दे रहे हैं ठीक है फिर है पर्सनलाइज लर्निंग असेसमेंट हेल्प टेलर इंस्ट्रक्शन टू इंडिविजुअुअुअुअुअल नीड्स बाई आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट इट एनेबल पर्सनलाइज लर्निंग स्ट्रेटेजीज़ एंड इंटरवेंशन मतलब कि असेसमेंट जो होता है ना वो हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को उसकी लर्निंग को बेटर बनाने में

असेसमेंट कैन मोटिवेट स्टूडेंट्स बाई प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस यानी कि असेसमेंट की वजह से स्टूडेंट्स मोटिवेट रहते हैं कि उन्हें यू नो अचीव करना है सपोज आप क्लास में एग्जाम्पल दे रही हूँ आप सेकेंड आए ठीक है और आपने पहले से आप कभी सेकंड नहीं आए थे बट एकदम से पता चला आपको क्लास में सेकंड आया हो तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट हो जाओगे कि अरे मैं तो मतलब ला सकता हूँ इतने अच्छे नंबर तो अगर मैं इतने अच्छे नंबर ला सकता हूँ तो मतलब मुझे पढ़ाई करनी चाहिए तो वो जो चीज़ आपकी हुई वो आपकी मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट की वजह से हुई कि आपने समझा कि मैं ये काम कर सकता हूँ और आप उस चीज में एंगेज हुए ठीक है एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से आप अपने गोल सेट कर पाते हो एंड इम्प्रूवमेंट कर पाते हो ठीक है देन करिकुलम डेवलपमेंट असेसमेंट का जो डाटा होता है ना ठीक है वो क्या कर सकता है करिकुलम को रिफाइन कर सकता है और डेवलप करता है तो सपोज एक करिकुलम है बच्चों का रिजल्ट आया अब इनको पता चला कि इसमें रिजल्ट में ये ये चीज़ें आई हैं और बच्चे के शायद इस सब पढ़ाई से ओरल स्किल्स इतने अच्छे नहीं हुए कि वो बोलने में अच्छा नहीं हो पा रहा या क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स उतने अच्छे नहीं हो रहे तो जब रिजल्ट आया उसको एनालाइज़ करने के बाद हम दोबारा से करिकुलम में चेंजेस ला सकते हैं उसको रिफ़ॉर्म कर सकते हैं सो असेसमेंट डाटा कैन इन्फॉर्म द डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ करिकुलम ये आइडेंटिफाई करता है एरियाज जिसमें हमें ज़्यादा एम्फिस देने की ज़रूरत है एंड हमें ये श्योर करना है कि हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है यानी जो हम अचीव करना चाहते हैं जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं और जो असेसमेंट है आपस में अलाइन करें मतलब सपोज लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपका ए है लेकिन आप पढ़ा ऐसे रहे हो कि कोई बच्चा बी तक पहुंचेगा तो वो बेकार हो जाएगा तो वो करिकुलम डेवलपमेंट में हमारा असेसमेंट हमें ये यू नो इन्श्योर करता है कि हम समझें कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है डिसीजन मेकिंग असेसमेंट का जो आउटकम होता है ना वो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को अफेक्ट करता है ठीक है जैसे कि इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग स्टूडेंट प्लेसमेंट प्रोग्राम इवेल्यूएशन पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो जितने भी डिसीजंस हैं हमारे असेसमेंट के जो रिजल्ट आते हैं उसके बेसिस पे लिए जाते हैं एंड ये प्रॉपर एविडेंस और इन्फॉर्म डिसीजन प्रोवाइड करता है ठीक है वाइल स्पेसिफिक असेसमेंट प्रैक्टिसेस में वेरी देखिए असेसमेंट प्रैक्टिसेस असेसमेंट लेने का तरीका वेरी कर सकता है लेकिन एक बेसिक प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे सारे असेसमेंट या फिर फेयर असेसमेंट होगा वो क्या हो सकता है सो so, सबसे पहले है वैलिडिटी असेसमेंट टास्क एंड मेथड शुड मेजर व्हाट दे इंटेंड टू मेजर यानी कि जो भी असेसमेंट टास्क है या मेथड्स हैं वो वो मेजर करें जो उनको एक्चुअली में मेजर करना है मतलब कि ऐसा ना हो कि आपका जो असेसमेंट है वो एक्चुअल जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको मेजर कर ही नहीं पा रहा तो हमेशा असेसमेंट आपका अलाइन करना चाहिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ एंड वो इस तरह से डिजाइन हो कि डिजायर्ड नॉलेज स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स को वो करेक्टली मेजर कर ले ठीक है फिर है रिलायबिलिटी यानी कि अगर आप अलग अलग टाइम पे थोड़े थोड़े टाइम के बाद या अलग अलग लोगों के साथ वो टेस्ट करते हो तो उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए ग्रुप के साथ कोई एक रिजल्ट आ रहा है और बी के साथ बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट आ रहा है थोड़ा बहुत वेरिएशन इज फाइन बट होना चाहिए ये टेस्ट रिला दोबारा कहीं लगा रहे हो तो वो काम कर रहा है तो इट इट शुड यील्ड मतलब वो हमेशा एक कंसिस्टेंट रिजल्ट दे ऐसा ना हो कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा नहीं एंड इसमें बायस नहीं होना चाहिए वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही अलग आ रहा है एंड साथ ही साथ इट इंश्योर दैट सिमिलर परफॉर्मेंस इज कंसिस्टेंटली इवेल्युएटेड इन सिमिलर मैनर कि मतलब अगर आप चाहो तो हर बार सेम तरीके से सिमिलर परफॉर्मेंस को आप कंसिस्टेंटली मेजर कर सकते हो मतलब सिंपल सी बात है बार बार रिजल्ट चेंज नहीं होने चाहिए इट शुड बी यू नो वेरी मच जो बिल्कुल अलाइन हो उसके साथ बैठे देन कम ऑथेंटिसिटी असेसमेंट टास्क शुड शुड मिरर रियल वर्ल्ड सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट एज एज क्लोजली पॉसिबल दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल टू अप्लाई देयर नॉलेज एंड स्किल्स इन मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट वे यानी कि असेसमेंट टास्क आप ऐसी लो कि अगर रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कोई पर्सन उसको सॉल्व कर रहा है तो वो उसको एक्चुअली में समझ पाए कि अच्छा ये रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ और ये जो आपका असेसमेंट है वो इस चीज को देखेगा कि आप रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म करोगे मतलब आप अपनी एक्चुअल नॉलेज वहां पे अप्लाई कर सको तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि आप अपनी नॉलेज एंड स्किल्स को एक मीनिंगफुल वे में अप्लाई कर सको ठीक है फिर आया फेयरनेस मतलब कि असेसमेंट शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल यानी कि आप सारे बच्चों को जो भी असेसमेंट में टेस्ट दे रहे हैं जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे एंड आप सबको समझोगे कि हाँ ये डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं इनका एक्सपीरियंस अलग है इनकी एबिलिटीज अलग है लेकिन आप टेस्ट सबको उसके हिसाब से लोगे मतलब फेयर ऐसा नहीं होना चाहिए ना एक पर्सन जो बच्चा लिखने में बहुत स्लो है ड्यू टू सम डिसेबिलिटी उसको आप बाकी बच्चों के साथ बिठा के उसका असेसमेंट ले रहे हो वो गलत हो जाएगा आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे बेसिस कि क्या यहाँ पर uh, मतलब चीजें हैं और सेम वे में कि कोई बच्चा किसी बैकग्राउंड से अलग है या एक्सपीरियंस उसका अलग है उसके बेसिस पे आप ये नहीं कि बिल्कुल अलग टेस्ट लोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि फेयरनेस रहे जहाँ पे जितनी रिक्वायर्ड है उतनी फेयरनेस बनी रहे ठीक है फिर आया ट्रांसपेरेंसी

बट नहीं क्योंकि कुछ ना कुछ चीटिंग हुई होती है तो वो नहीं होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मल्टीपल मेजर्स यानी कि असेसमेंट शुड एम्प्लॉयज अ वेराइटी ऑफ मेथड एंड मेजर टू कैप्चर अ अम्प्रीहेंसिव व्यू ऑफ स्टूडेंट लर्निंग देखिए असेसमेंट का मतलब ये नहीं कि केवल आपने लिखवा के देख लिया रोट लर्निंग मेथड से नहीं बेसिकली आप उसमें प्रोजेक्ट्स दे सकते हो टेस्ट दे सकते हो ओरल टेस्ट दे सकते हो पोर्टफोलियोज प्रेजेंटेशन बनाने को उनको कह सकते हो जिससे बच्चे की एबिलिटीज का अच्छे से पता चले ठीक है फिर है फॉर्मेटिव एंड सबेटिव असेसमेंट बोथ फॉर्मेटिव एंड सबेटिव असेसमेंट शुड बी यूज टू सपोर्ट लर्निंग एंड मेजर अचीवमेंट ऐसा नहीं है कि किसी एक से काम चल जाएगा बट फॉर्मेटिव एंड सबेटिव असेसमेंट का अपना अपना फंक्शन है और दोनों को यूज करना है टाइम टू टाइम ताकि आप अचीवमेंट uh, को मेजर कर सको फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट वाइल सबेटिव असेसमेंट इवेल्युएट लर्निंग आउटकम एट द एंड ऑफ द पीरियड देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है बीच बीच में होता रहता है ईयर में ठीक है तो आपको पता चलता रहता है अच्छा यहाँ पे इंप्रूव करना है अच्छा यहाँ पे इम्प्रूव करना है लेकिन सर्वेटिव असेसमेंट का मेन गोल होता है कि ये रिजल्ट देता है ताकि आपको डिग्री मिल सके या जो भी आगे के रिजल्ट आपको मिल सके आउटकम पता चल सके ठीक है देन कम्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट असेसमेंट प्रैक्टिस शुड बी कंटिन्यूसली रिव्यूड एंड रिफाइंड बेस्ड ऑन फीडबैक एंड एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस जो पंद्रह साल पहले टेस्ट जिस तरह से लिया जाता था सेम अप्लाई करोगे आज की दुनिया में तो बहुत यूजफुल नहीं होगा तो बेसिकली असेसमेंट प्रैक्टिस को टाइम टू टाइम रिव्यू करना है रिफाइन करना है इस बेसिस पे कि वो कितनी इफेक्टिव है ठीक है रेगुलर इवैलुएशन और एडजस्टमेंट अगर आप टाइम टू टाइम इवेलुएशन करते हो एडजस्टमेंट करते हो तो उससे हमारा जो क्वालिटी और रेलिवेंस है ना असेसमेंट प्रोसेस का वो अच्छा होता है तो इसीलिए ये सब चीज़ें जरूरी हैं सो दीज आर द प्रिंसिपल एंड इससे पहले वाले आर द इम्पोर्टेंस सो दिस वॉज द होल टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट इसकी सारी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जो कि अलग से असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो आपका प्लेलिस्ट है वहाँ पर है प्लस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं बहुत इजीली आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है बाय मी अ बुक अगर मेरी किसी भी वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ है एग्जाम्स के टाइम पे एग्जाम से पहले एंड आप कुछ करना चाहते हैं तो उस लिंक को यूज़ करके यू कैन बाई मी अ बुक बेसिकली यू कैन पे वट एवर अमाउंट यू वॉन्ट टू पे एंड अगर आपको कोई डाउट है कोई वीडियो नहीं मिल रही है कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए थैंक यू सो मच हैवे नाइस डे एल यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो